वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और प्रोजेक्ट के अपडेट में। तो टाइटल प्रोजेक्ट के होने वाला है या नहीं, अभी तक मेकर्स ने कुछ भी रिवील नहीं किया है। और प्रोजेक्ट के टाइटल मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि एक ऑफिशियल टाइटल कल्कि और दूसरा कुछ जैसा ये बोल रहे थे कि कल्कि से कनेक्टेड होने वाला है या फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर के आसपास ये जो स्टोरी है वो बनने वाला है। तो अभी तक रिलीज डेट आ चुकी है, टाइटल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन इसी बीच एक शॉकिंग अनाउंसमेंट मेकर्स की तरफ से आया है। स्टार्टिंग में जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे वो तो अभी कंटिन्यू चल ही रहा था, बट म्यूजिक बनाए हैं या नहीं उसको लेकर ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं, अभी तक कोई वीडियो कॉन्टेंट रिलीज नहीं हुआ है। तो मिक्की जे मेयर जो है इसका म्यूजिक डायरेक्शन देने वाले थे, लेकिन अब संतोष जो है इस फिल्म को म्यूजिक देंगे। अब इसके साथ साथ एक फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर भी होने वाला है ऐसा मेकर्स का कहना है। और 70% ऑफ द शूट कंप्लीट हो चुकी है पार्ट वन एंड पार्ट टू का। पार्ट वन तो पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन पार्ट टू का जो शूटिंग है अभी तक 30% बाकी है। मेकर्स का ऐसा कहना है कि VFX के लिए 5 अलग अलग कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन किया गया है और एडिटिंग वर्क के लिए लगभग 4 से 5 महीना और लगेगा। और साथ ही साथ बैक टू बैक अपडेट जो है आगे जाके हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोनों पार्ट मेकर जो है जून या जुलाई के अंदर, इनका जो एडिटिंग वर्क है वो जून या जुलाई के अंदर ख़त्म करेंगे। तो जो पोस्टर मेकर्स ने रिलीज डेट के साथ लॉन्च किया था उसमें 3 सस्पिशियस कैरेक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड मेकर्स ने जो पोस्टर लॉन्च किया था उसमें रिलीज डेट भी लिखा हुआ था, उसमें भी टाइटल रिवील नहीं हुआ है, जिसमें प्रोजेक्ट के लिखा गया था। और एक हाथ के आगे 3 लोग खड़े होते हुए गन लेके दिखाई दे रहे थे, इसमें से एक कैरेक्टर मुझे थोड़ा डाउट है कि दिलकर सलमान हो सकते हैं और बाकी के 2 कैरेक्टर कौन है, क्योंकि मेल कैरेक्टर हैं बाकी के दोनों, तो उनका थोड़ा मुझे लगा नहीं। लेकिन फोटो जूम मारने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे लग रहा है कि दिलकर सलमान एक कैरेक्टर हो सकते हैं, क्योंकि स्टारकास्ट में गूगल पे भी दिखा रहा था बहुत सारे कैरेक्टर प्रोजेक्ट के में होने वाले हैं। और मेजरली जो दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन एंड प्रभास जो है 70-80% ऑफ द फिल्म इनको लेके शूट किया गया है। तो प्रोजेक्ट के का जो अपडेट है वो हमें अप्रैल उगाड़ी से, और कोई बेटर डेट मुझे लग नहीं रहा, रामनवमी या फिर उगाड़ी, तो उससे अप्रैल 28 जो है प्रभास के लिए काफ़ी लॉकी डे माना जाता है। तो देखते हैं कब तक मेकर्स इसका अपडेट देते हैं। सिर्फ रिलीज डेट और पोस्टर से कुछ नहीं होने वाला, मुझे लगता है इतने अच्छे कैरेक्टर्स को बनाए हैं तो छोटा सा ग्लिम्स तो बनता है म्यूजिक के साथ। संतोष नारायण म्यूजिक डायरेक्टर को रिप्लेस किया गया है, तो हो सकता है 2-2.5 महीने के अंदर इसका फर्स्ट लुक टीजर या फिर फर्स्ट लुक कह लीजिए वो हमें देखने को मिल सकता है। रिलीज डेट लगभग अभी भी 8-9 महीना बाकी है, तो टाइम है, लेकिन छोटा छोटा अगर मार्केट में कंटेंट आता रहेगा या फिर इसका कोई इससे जुड़ा हुआ कोई क्लिप आता रहेगा तो ऑडियंस के थ्रू जो है इसका हाइप और भी बनेगा और अलग अलग चैनल पे इसको लेकर चर्चा भी होगा। तो मेकर्स को ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इसके टीज़र या फिर ग्लिम्स को जल्द ही रिलीज किया जाए। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।